हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम केबीसी ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे। एंगल्स बता दें, ये पिनी शेयर्स है, इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, बट आप सारी एनालिसिस एंड सारी डिटेल के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड गाइस, इस स्टॉक के जो बिजनेस हैं, रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बेस पे इसके बिजनेस होते रहते हैं, जो ऑलरेडी ये कंपनी प्रॉफिट बुक करती रहती है। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इस स्टॉक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म करते हैं। इस स्टॉक का करंटली प्राइस चल रहा है 4.80 रुपये के अराउंड, इसका करंटली प्राइस चल रहा है। एंड इसका टुडे का जो रिटर्न रहा है 4.35%, इसने अपर सर्किट में रिटर्न दिए हैं। कप्पीज की फाइनेंशियल सर्विस की बात की जाए तो काफ़ी बेस्ट इसने अपडेट भी किए। इसका स्थापना हुआ था 1994 में, इसका स्थापना हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर है। कप्पीज की क्वार्टर फाइनेंशियल सर्विस की बात की जाए तो 2021 का इन्होंने ऑलरेडी अपडेट किया है। इसका कॉस्ट रेवेन्यू आप देख सकते हो 19.26 करोड़ के अराउंड इसका कॉस्ट रेवेन्यू होता है, जो थोड़ा सा इन्होंने डाउननेस में अपडेट किया है। कप्पीज का नेट इनकम आप देख सकते हो, इसका नेट इनकम जो है 4.5 करोड़ के अराउंड इसका नेट इनकम होता है, जो इन्होंने अपर सर्किट में अपडेट किया है। रिवेन्यू जो हुआ था 2021 का 28.82 करोड़ इसका रिवेन्यू हुआ था। इन पर शेयर जो है 0.07% है, जो इन्होंने अपर सर्किट में ही रिटर्न दिया है। अब गाइस, इसकी मेन वेबसाइट पे चलो, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। चूँकि गाइस, इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे, एंड ये स्टॉक आपको दोनों एक्सचेंज पे अवेलेबल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। एंड इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं, 17 प्रोजेक्ट पे ये कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रही है, जो काफ़ी प्रॉफिट बुक करती हुई जा रही है। कपीस का जो मार्केट कैप है 295 करोड़ इसका मार्केट कैप होता है। एक साल में इसका हाई प्राइस गया था 24 रुपीज़ एंड लो प्राइस गया था 4 रुपये के अराउंड, इसका लो प्राइस गया था। कपीस की जो बेस्ट बात है, ये कंपनी जो है ज़्यादा हाई प्राइस में नहीं है, बट इस कंपनी का डिविडेंड भी रिटर्न आपको अपडेट होता है, 0.62% इसका डिविडेंड रिटर्न होता है। कंपनीज का रिटर्न एंड इक्विटी की बात की जाए, 17% कंपनी ने रिटर्न एंड इक्विटी अपडेट किया है। कंपनीज का जो फेस वैल्यू है 1 रुपये, जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था इसका प्राइस था 1 रुपये। अब गाइस, इसका हाई प्राइस देख सकते हो गाइस, कितना ज़्यादा इसका हाई प्राइस गया था। इसका हाई प्राइस गया था गाइस 25 रुपीज़ के अराउंड, इसका हाई प्राइस गया था। जो इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक से अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए थे। कंपनीज का जो पी रेशियो है काफ़ी बेस्ट अपडेट है कंपनी ने किया है, 21% इसका पी रेशियो अपडेट है। कपीज़ के जो इंडिकेटर्स हैं, कपीज़ जो है ऑलरेडी डेट फ्री होती चली जा रही है। एंड कंपनीज़ का जो प्रमोटर होल्डिंग है थोड़ा सा डाउन है, 25% अपडेट है गाइस। कंपनीज़ का आप पेयर कंपैरिजन देख सकते हो ऑलरेडी, जो काफ़ी बेस्ट है। कपीज़ जो है कंस्ट्रक्शन का इंडस्ट्रीज़ है, एंड इसका सेक्टर भी है रियल इस्टेट से बिलोंग करती है। कपीज़ जो है ऑलरेडी काफ़ी बेस्ट बिजनेस करती है। कपीज़ के जो कॉम्पटिशन है काफ़ी हाई लेवल कंपनीज़ के साथ है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गया एंड DLF हो गया। कंपनीज़ का 2021 का ऑलरेडी क्वार्टर रिजल्ट अपडेट है 4 मंथ का, जो इन्होंने सेल भी किए हैं एंड इसके खर्चे भी ऑलरेडी हुए हैं। मार्च का देख सकते हो गाइस, कितना इन्होंने सेल किया था, 45 करोड़ के अराउंड इसका सेल हुआ था। एंड इसके खर्चे जो हुए थे 25 करोड़ इसके खर्चे हुए थे। एंड लास्ट दिसंबर का आप सेल देख सकते हो, 28 करोड़ इसका सेल हुआ था एंड इसके खर्चे जो हुए थे 21 करोड़ इसके खर्चे हुए थे। कंपनीज के जो बैलेंस शीट है देख सकते हो, कितना कंपनीज़ ने ऑलरेडी प्रेजेंट टाइम में कर्जा ले रखा है। इसका टोटल लायबिलिटीज जो होता है प्रेजेंट टाइम में 348 करोड़ प्रेजेंट टाइम में कर्जा कंपनी ने ले रखा है, बट कंपनीज़ के पास ऑलरेडी एसेट भी बुक है, 348 करोड़ इसके पास एसेट भी है कंपनीज़ के पास। कंपनीज़ का कैश फ्लो देख सकते हो, कंपनीज़ का जो कैश फ्लो है 0 में इसका कैश फ्लो अपडेट है। इस कंपनीज़ का आप शेयर होल्ड देख सकते हो, जो काफ़ी प्रमोटर ने कम इसके शेयर होल्ड किए हैं, 25% प्रमोटर ने शेयर होल्ड किए हैं एंड पब्लिक ने 52% शेयर होल्ड किए हैं। एंड अदर कंपनियों ने काफ़ी बेस्ट इसके शेयर होल्ड कर लिए हैं, हाई लेवल कंपनीज़ ने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अब आप इसकी एनुअल रिपोर्ट चेकआउट कर सकते हो एली वाइज, जो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपडेट भी हो जाएगा। एंड गाइस, इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक बार अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर करना। एंड गाइस, वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।